हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज हमारे सामने ह्यूंडई एक्स्टर सीएनजी वेरिएंट, इस वेरिएंट की बात करें तो हमारा एसएक्स सीएनजी है जो कि हमारा सीएनजी में टॉप आता है। तो इसकी एक्सशोरूम वैल्यू बात करें तो 8,97,000 रुपये हमें एक्सशोरूम कॉस्ट करता है। फ्रंट में आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर वगैरह, इसमें आपको सारी चीज़ कम्प्लीट मिलती हैं। इधर आपको एच शेप में डीआरएल भी मिल जाती हैं, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे ह्यूंडई का लोगो मिल जाता है। ये हमारा सेटिन ग्रे फिनिश में आता है, क्रोम में अभी यह नहीं आता है। ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आपको यहाँ पे ग्लोस में मिल जाती है और नीचे आपको नॉर्मल प्लास्टिक मिल जाता है। और यहाँ पे आपको स्किड प्लेट भी दी गई है जो कि आगे से लोग इसकी काफ़ी सही लगती है। कलर की बात करें तो कलर भाई हमारा ये रेंजर खाकी कलर है, तो ये भी काफ़ी एक यूनिक कलर इस बार ह्यूंडई ने लॉन्च किया। ग्राउंड क्लीयरेंस भी इस कार का काफ़ी सही है, 185 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है। तो फ्रंट लुक भाई इस कार की काफ़ी मस्कुलर लगती है, आप देख सकते हैं। उधर हमारी न्योस खड़ी है, इधर हमारी एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा फ्रंट से काफ़ी मस्कुलर लगती है क्योंकि इसका जो आगे से डिज़ाइन है पूरा कंप्लीट न्यू आया है और ये इस बारी काफ़ी फिल्ड है, इसमें कहीं भी कोई खाली स्पेस बचा नहीं है, तो काफ़ी मस्कुलर इसमें फील आती है आगे से देखने में। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नॉर्मल व्हील मिलते हैं, लेकिन ये अलॉय लगते हैं, लेकिन ये है नहीं, ये नॉर्मल हमारे व्हील कैंप है। टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज हमें इसमें मिलता है 175/65 R15, तो 15 इंच के नॉर्मल स्टील रिम मिलते हैं जिसमें कि हमारा ये व्हील कैप लगा रखा होता है, लेकिन इसकी भी लुक काफ़ी सही आती है। साइड इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिरर में मिल जाता है, मिरर इसके फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों आते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर इस कार में आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, इसमें हमें नॉर्मल की लगानी पड़ती है, तो इस कार में हमें स्मार्ट की वगैरह नहीं मिलती है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लाइडिंग दी गई है पूरी ब्लैक कलर की, और ये स्कर्टिंग इसकी पूरी ऑल अराउंड मिलती है, कार के चारों तरफ आपको स्कर्टिंग मिल जाती है। छत की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे सनरूफ भी मिलती है और यहाँ पे रूफ रेल भी दिए गए ब्लैक कलर में, और पीछे आपको शार्पिन एंटीना भी मिल जाता है। तो एक बार हम चलते हैं इस कार के इंटीरियर की तरफ, तो ऐसे कुछ हमें इसमें कीज़ मिलती है एसएक्स वेरिएंट में, एक हमें नॉर्मल फ्लिप की मिलती है और एक हमें बिल्कुल ही सिंपल की मिलती है। तो अब चलते हैं एक बार इस कार के इंटीरियर की तरफ। कीज़ भाई बाकी हालांकि हमें कम से कम दोनों तो रिमोट वाली मिलनी चाहिए थी, तो इस चीज़ में ह्यूंडई ने काफ़ी कॉस्ट कटिंग करके कीज़ के अंदर, और इसमें हमें रिक्वेस्ट सेंसर भी नहीं मिलता, तो कीलेस एंट्री तो भाई इसमें होना चाहिए था क्योंकि हमारा एसएक्स सीएनजी वाला वेरिएंट है, इससे ऊपर हमारा सीएनजी में आता ही नहीं है, तो इसमें हमें मिलनी चाहिए थी कीलेस एंट्री पुश टू स्टार्ट वाला ऑप्शन, लेकिन इसमें हमें नहीं मिलता। तो एक बार मैं इसको स्विच ऑन कर लेता हूँ, तो अब इस कार का ये स्विच ऑन हो गया। तो मीटर भाई इसका आप देख सकते हैं पूरा वेन्यू सेंस पैड है, MID इसमें आपको मिल जाती है, इधर आपको नॉर्मल फ्यूल के बारे में मिलते हैं और इधर आपको CNG के बारे में मिल जाते हैं मीटर के अंदर। MID में बाकी इसमें सारी चीज़ शो होती है, डोर वगैरह कौन सा ओपन है ये भी इसमें सारी चीज़ शो होती है, टायर प्रेशर वगैरह भी इसमें आपको मिल जाता है। तो इस बार मीटर तो ह्यूंडई ने इसमें काफ़ी इंप्रूव कर दिया, मीटर इसमें काफ़ी बढ़िया मिलने लग गया, तो इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स हमें मिल जाती हैं। एक्स्ट्रा का मीटर तो भाई मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। और बाकी आप इंटीरियर कार का चेक कर सकते हैं, इंटीरियर भी काफ़ी सही है। बाकी जो इसका कंप्लीट डैशबोर्ड है और ये पूरा यहाँ से इसका पैनल है, ये पूरा ह्यूंडई ओरा और न्योस से शेयर किया हुआ है, तो उन दोनों में भी हमारे यही सेम इंटीरियर आता है, बस उनमें कलर का डिफरेंस रहता है। उनका इंटीरियर भाई हमारा ड्यूल टोन में आता है, उनमें वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन ये हमारा पूरा ऑल ब्लैक आता है एक्स्ट्रा के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ भी हमें पूरा ऑल ब्लैक मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप एक टेक्सचर देख सकते हैं, डैशबोर्ड भी दिया गया, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे डोर पैनल भी हमें ये वाला टेक्सचर मिल जाता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। ऑटोमेटिक AC हमें इसमें मिल जाता है, वायरलेस चार्जर हमें इसमें एसएक्स में नहीं मिलता है, और यहाँ पे आपको USB का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, इधर 12 वोल्ट का मिलता है और इधर आपको सी टाइप का फास्ट चार्जिंग का सॉकेट मिलता है। गियरबॉक्स की बात करें तो इसमें गियरबॉक्स के ऑप्शन हमारे दो आते हैं, एक AMT आता है और एक मैनुअल आता है, लेकिन AMT हमारा नॉर्मल पेट्रोल में आता है, CNG में हमारा AMT नहीं आता, CNG में हमारा मैनुअल आता है 5 स्पीड का। और इधर आपको मिल जाती है टच स्क्रीन जो कि हमारी न्योस ओरा में भी सेम ही आती है। क्रूज़ कंट्रोल की बात करें तो क्रूज़ कंट्रोल इसमें हमें यहाँ पे नहीं मिलता है, वो हमें नॉर्मल वाले पेट्रोल वेरिएंट में मिलता है, CNG में हमारा क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं आता, लेकिन इसका मीटर मुझे भाई काफ़ी प्यारा लगता है, मीटर काफ़ी बढ़िया है इसका। इधर भी आप देख सकते हैं डोर पैनल भी हमारे पूरे ऑल ब्लैक ही आते हैं, और इधर हमें मिलता है ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का स्विच और फ्यूल स्विच करने का, CNG और पेट्रोल पर आप इससे स्विच हो सकते हैं। और इधर हमें मिल जाता है हेडलाइट लेवलर, इससे आप इसकी हेडलाइट लेवल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इवेंट्स में हमें थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट मिल जाता है, न्योस में भी ऐसे ट्रीटमेंट आता है लेकिन वो सिल्वर में आता है, ये हल्का लाइट ग्रीन शेड में, ये हमारे रेंजर खाकी कलर है, तो उसमें इसकी थीम यहाँ पे अंदर इंटीरियर में भी मैच हो जाती है। डोर्स आप देख सकते हैं पूरे इसके ऑल ब्लैक आते हैं, इधर आपको चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, साइड मिरर हमें फोल्डेबल अनफोल्डेबल मिलते हैं और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रंट से तो भाई यही कुछ हमें इस कार में मिलता है, बाकी इंटीरियर इसका काफ़ी सही लगता है। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट इस कार में अभी मिसिंग है, एसएक्स सीएनजी में हमें आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। इधर आप देख सकते हैं सेफ्टी के लिए यहाँ पे सीएनजी कार में ये सिलेंडर हर एक कार में मिलता है, तो यहाँ पे भी इसमें दिया गया है। मिरर की बात करें तो मिरर हमें इसमें मैनुअल मिलता है, ऑटोमेटिक इसमें मिरर हमें नहीं दिया गया। और इसमें हमें यहाँ पे मिलते हैं भाई सनरूफ, ये देखिए सीएनजी कार में आपको यहाँ पे सनरूफ दी गई, तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है, तो ये काफ़ी सही चीज़ मिलती है हमें
एक्स्ट्रा के अंदर सनरूफ यहाँ पे आपको मिल जाती है। ब्लाइंड इसका मैनुअल हमें करना पड़ता है। इधर आपको वाइजर मिल जाता है और टोल रिसिट होल्डर भी दिया गया है। यहाँ पे आपको दो लाइट्स मिल जाती हैं और यहाँ पे आपको मिलता है एक मिरर नॉर्मल। तो अब चलते हैं एक बार हम इस कार के रियर की तरफ। तो ये है भाई इस कार का रियर। रियर की बात करें तो रियर में इस कार में स्पेस काफ़ी सही मिल जाता है। इसका लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है, इसका थाई सपोर्ट भी हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। रियर में भी हमें यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है। आगे हमें सनरूफ दी गई है, सनरूफ हालांकि इसकी छोटे लेकिन काफ़ी सही है। तो स्पेस भाई इस कार में काफ़ी सही मिल जाता है, मतलब थाई सपोर्ट भी इसका बहुत बढ़िया, लेग रूम भी बढ़िया है और इसका सीट का जो रिक्लाइन एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके रियर एसी वेंट्स और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यही है भाई इसका रियर कार का। अब चलते हैं एक बार हम इसके बूट की तरफ जो कि इस कार की मेन चीज़ है सीएनजी। तो एक बार हम देखते हैं इसके बूट स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाता है, इसमें भी थोड़ा टेक्सचर दिया गया जो कि डैशबोर्ड में मिलता है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड की बैचिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसमें बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग इस कार के अंदर मिलते हैं। तो सेफ्टी पे तो ह्यूंडई अब ध्यान देने लग गया काफ़ी अच्छा। रियर मिरर आपको इसमें हीटेड मिल जाता है, सीएनजी की बैचिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, पार्सल ट्रे भी आपको दी गई है और इधर मिलता है भाई हमें इसमें सीएनजी का सिलेंडर। इसमें हमें 12 केजी का सीएनजी का सिलेंडर आता है जिसकी वाटर कैपेसिटी होती है 60 लीटर्स। तो ये काफ़ी सही है, लेकिन इसमें कवरिंग वगैरह कुछ नहीं दी गई, तो सिलेंडर की कवरिंग वगैरह होनी चाहिए थी। ग्रैंड एटन न्यूस और हमारी ओरा में भी इसकी कवरिंग वगैरह नहीं आती है। स्पेस आप देख सकते हैं इसके बाद भी इसमें सही स्पेस बच जाता है, जैसा कि हमारा न्यूस में स्पेस बचता है सिलेंडर के बाद, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा के अंदर मिल जाता है। तो स्पेस भी इसमें ठीक ठाक मिल जाता है सीएनजी सिलेंडर होने के बाद। ह्यूंडई एक्स्ट्रा एसएक्स सीएनजी भाई काफ़ी बढ़िया वेरिएंट है। इसमें आपको सीएनजी मिल जाती है और साथ ही साथ आपको ग्राउंड क्लीयरेंस भी काफ़ी अच्छा मिलता है और एक हैचबैक से बड़ा साइज़ का आपको सेगमेंट मिल जाता है जिसमें कि स्पेस भी काफ़ी सही मिल जाता है आपको, और बूट स्पेस में भी थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है सीएनजी सिलेंडर होने के बावजूद भी। सेफ्टी भी पूरा ध्यान दिया गया है। तो ये कार मेरे हिसाब से बजट वाइज काफ़ी बढ़िया सेट होती है, 8,97,000 रुपये इसका एक शोरूम है, तो उसमें कार काफ़ी बढ़िया सूट करती है। सीएनजी रिफिल बाकी इसकी यहाँ से होती है, और अगर इसमें सीएनजी सिलेंडर ना हो तो इसका स्पेस बूट का काफ़ी अच्छा है। और यह है कार का रियर, ये आप देख सकते हैं। एसएक्स की बैजिंग हमें यहाँ मिल जाती है और यहाँ पे हमें ह्यूंडई का लोगो मिलता है। ये भी हमारा सेटिन ग्रे फिनिश में, पीछे आपको उसके डुप्लीकेट्स मिल जाते हैं और रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। इसमें हमें दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं रिवर्स में, और रिवर्स कैमरा हमें यहाँ पर नीचे मिल जाता है। रिवर्स कैमरे की क्वालिटी इसकी सेम ओवरऑल न्यूस वाली आती है। कोई मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, अडेप्टिव गाइडलाइंस इसमें नहीं आती हैं, जैसे कि ओरा न्यूस में आता नॉर्मल कैमरा, वही हमें इसके अंदर मिलता है। इंटीरियर से तो भाई ये हमारी सेम ओरा न्यूस जैसी है, तो आप ये देख सकते हैं नॉर्मल हमें वही कैमरा मिलता है। लेकिन इसमें एमआईडी में यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर की वार्निंग वगैरह यहाँ पर पूरी कार डिस्प्ले होती है, और उसके साथ पीछे आपको पार्किंग सेंसर की वार्निंग आती है वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है, जैसे कि हमारी ह्यूंडई क्रेटा में डिस्प्ले होती थी। तो यही थी भाई हमारी आज की एक वीडियो ह्यूंडई एक्स्ट्रा सीएनजी वेरिएंट के ऊपर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।